इस वीडियो में मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक केस स्टडी को सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये केस स्टडी जो है वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इफ देयर इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर, तो जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते हैं तो वो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k के लिए, और फिर ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको शो करते हैं। ठीक है, यही हमारा काम होता है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है कि देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जब आपने शो कर दिया देन किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। तो अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए स्क्वायर इज डिफाइंड एज ए इंटू ए, ये तो जनरल सी बात है, और ए टू द पावर m इज ए इंटू ए इंटू ए अप टू m टाइम्स, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, बोथ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं दैट इफ a इक्वल टू दिस इज 3 माइनस 4 1 माइनस 1 a गिवन है और कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n यू हैव टू फाइंड a टू द पावर n। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन आपको 2x2 मैट्रिक्स से ले मिलेगा। तो सबसे पहले आप a इंटू a फाइंड कर लीजिए, उससे क्या होगा एक आपको पैटर्न दिखेगा कि किस डायरेक्शन में ये आ रहा है। तो माइनस 4 माइनस 1, फिर से मैं a को लिखूंगा, बखूबी आप मल्टीप्लीकेशन जानते होंगे किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, तो दिस इज 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 1, तो 9 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 5, 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 12 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका माइनस 8, ब्रैकेट बंद किया मैट्रिक्स बंद की, 1 इंटू 3 3 3 माइनस 1 2 एंड 1 इंटू 4 माइनस 4 ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3। अब ये आपको यहीं पर स्टॉप हो जाना है और आपको जस्ट ऑप्शन से वेरीफाई करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 3n, n है तो ऑब्वियसली बात है n इक्वल टू अगर आप 2 रखोगे तो आपको 6 मिलेगा और यहां पर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरा a टू द पावर n 1 प्लस 2n, अगर n की वैल्यू आपने 2 रखी तो 1 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे ये 2 आ जाएगा और ये माइनस 8 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा जब हम 2 रखेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपका किसी भी ऑप्शन में n इक्वल टू 2 के लिए नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी पार्ट है। ठीक है, देयरफोर a टू द पावर n जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी बनेगी 1 प्लस 2 एन माइनस 4 एन और फिर n और फिर 1 माइनस 2 एन, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट कह रहा है कि इफ a इज 1021 देन, तो इसमें लिखते हैं देन हमें डिटरमिनेंट निकालना है कि इफ a इक्वल टू दिस इज 1021 एंड वो पूछ रहा है कि a टू द पावर n जो भी मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम, तो a टू द पावर n आपको मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिटरमिनेंट ऑफ a b इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। तो अगर मैं a स्क्वायर का डिटरमिनेंट लिखूंगा तो मुझे क्या करना होगा, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट a, बिकॉज माई a स्क्वायर इज इट इज a डॉट a, a मल्टीप्लाइड बाई a, तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं a टू द पावर n इक्वल टू डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a अप टू डिटरमिनेंट a मल्टीप्लीकेशन में है सारे और कितने टाइम्स, हियर इट इज n टाइम्स। तो डिटरमिनेंट a क्या है, a हमें मैट्रिक्स दी है, इसका डिटरमिनेंट बड़ी आसानी से निकल सकता है, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो क्या हो जाएगा इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन अप टू n, तो 1 का प्रोडक्ट आप कितनी भी बार करो आपको 1 टू द पावर n इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो डिटरमिनेंट a टू द पावर n जो होगा a टू द पावर n का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज डी पार्ट। ऑलराइट, आई होप कि ये दोनों बातें क्लियर होंगी। तो इसको एज अ रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं दैट डिटरमिनेंट a टू द पावर n
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। याद रखिए ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ये ए टू द पावर एन एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट यहां पर इवेल्युएट करवा रहा है, ए टू द पावर एन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करा रहा है, और यहां पर डिटर्मिनेंट ए और फिर उसका पावर एन। तो कंफ्यूजन हो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। तो जस्ट एक रिजल्ट है नॉर्मल, उसकी तरह आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट जैसा क्वेश्चन है कि इफ ए इज 1101, तो हम पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इफ ए इज 1011 एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन जनरल आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही डिनोट करता है, ऑर्डर आपको दिया होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए क्या रिलेशन इसमें मिलेगा हमें। तो जब भी आप ध्यान से देखेंगे तो ए टू द पावर एन की बात हम तब करेंगे जब हमें ए स्क्वायर ए क्यूब इस तरह की चीजें मालूम हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा, ए इंटू ए, जैसा कि हमने ऊपर निकाला है, तो 1011 इसका मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, सेम मैट्रिक्स में 1 1, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, दैट इज 1 into 1 + 0, दैट इज 1, 1 into 0 0, 0 into 1 0, हियर इट इज 0, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 into 1 1, 1 into 1 1, तो टोटल मिलके 2 हो जाएगा, 1 into 0 0 एंड 1 into 1 1, सो हियर इट इज 1। ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई, बट इस मैट्रिक्स से मेरा एक जनरल आइडिया अभी कुछ नहीं बना, कुछ पैटर्न नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ए हमारी जो मैट्रिक्स थी वो इस तरह से थी। तो ध्यान से देखेंगे आप, यहीं पर ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर से इसको देख लेंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला 1, ये वाला 1, देखिए यहां भी रिपीट हो रहा है 1 1, और यहां पर देखिए 1 था और यहां पर आ गया 2, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया कि एक नंबर ए स्क्वायर में हमारा यहां पर बढ़ गया है। अब क्या यही पैटर्न ए क्यूब के लिए होल्ड करता है, जस्ट हमें वो चेक करना होगा। तो अब हम वो चेक करते हैं कि ए क्यूब जब हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 1 2 0 1, और इसका मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे, तो ए मेरे पास है 1 1 0 1, इज इट ओके। देन अब क्या होगा, देखिए 1 into 1 1 0, तो हियर इट इज 1, 1 into 0 0, 0 into 1 0, दैट इज ऑल्सो 1 into 0, सो हियर इट इज 0, एंड देन 2 into 1 एंड 1 into 1, दैट इज 3, एंड 2 into 0 एंड 1 into 1, अगेन इट इज 1। तो देखिए पैटर्न हमें मिल गया, हमें ए स्क्वायर हमने निकाला तो यहाँ 2 आया, ए क्यूब निकाला तो हमने तो हमें यहाँ पर 3 आया। इसका मतलब जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरह से देखिए बन रहे हैं। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर हम ए में, तो रिलेशन देखिए किस तरह से ये बनेगा। तो अगर हमारे पास देखिए ए क्यूब आया, तो अगर मैं एन की वैल्यू मान लीजिए 3 रखता हूं, ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो मुझे 1 by 1 रिलेशन इसमें चेक करना होगा। तो मान लीजिए ए को कंसिडर करते हैं, तो अगर एन की वैल्यू 3 रखी मैंने इन ऑप्शन ए, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा इस तरह का क्वेश्चन, ऑप्शन ए का जो रिलेशन दिया, दैट इज ए टू द पावर एन इक्वल टू एन टाइम्स ए माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आई, तो मेरा ए क्यूब कितना हो जाएगा, दिस इज 3a माइनस 3 - 1 2, दैट इज 2i। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन जो हमने ये कैलकुलेशन की है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, ए क्यूब की वैल्यू रखूंगा, तो माई ए क्यूब इज वॉट, इट इज 1 3 0 1, और मैं 3 टाइम्स ए कैलकुलेट करूंगा, ए कितना है मेरा, ए जस्ट हमें ये मैट्रिक्स रख देनी है, दैट इज 1 1 0 1 माइनस 2i, कितना होता है 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये हमारा 2i हो गया। जस्ट इसको आप कैलकुलेट करो, दिस इज 3 0 3 3, नाउ इट इज 2 0 0 2। अब आप ध्यान से देखिए इसको क्या हो जाएगा, मेरा
ये हो जाएगा 3 माइनस टू दिस इज 1, 0 माइनस 0 दिस इज 0, 3 माइनस 0 दिस इज 3, 3 माइनस 1 दिस इज 2, बिकॉज 2 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1. लुक एट दिस मैट्रिक्स, ये देखिए ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा आपका ए पार्ट, ठीक है, क्योंकि ए वाला जो रिकरेंस रिलेशन है ए टू द पावर एन इक्वल टू एन ए माइनस एन माइनस वन आई को इसने कर दिया सेटिस्फाई, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा. नाउ वी कम टूवर्ड्स फोर्थ पार्ट. तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, तो ए अगर हमारा देखिए क्या है, बहुत आसान हो गया ये, तो ए अगर हमारा मैट्रिक्स है ए जीरो जीरो, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर भी कह सकते हो क्योंकि सेम नंबर लिया है, स्केलर मैट्रिक्स है, और ए टू द पावर एन दिया है, मतलब ए टू द पावर एन जो भी आएगा क्योंकि उसकी एंट्री नहीं दी है, तो उसने सीधे सीधे आपसे को फैक्टर पूछ लिया है किसका, ए वन थ्री का. तो आप ध्यान से देखिए कि ए टू द पावर एन मेरा क्या होगा, जस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो देखिए क्या है. तो जस्ट लुक एट फोर्थ पार्ट, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3x3 स्केलर मैट्रिक्स है. स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल में सेम एंट्री होता है, ये आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. तो ए टू द पावर एन क्या होगा, जस्ट लुक एट ए टू द पावर एन. सो ए टू द पावर एन ये होगा कि जस्ट डायगनल की पावर हमें करता जाना है. तो ए टू द पावर एन 0 0 0 ए टू द पावर एन 0 0 ए टू द पावर एन. नाउ लुक एट इट व्हाट, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री. तो को फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस वन की पावर 1+3 मल्टीप्लाइड बाई माइनर ऑफ ए वन थ्री जो एंट्री है. तो माइनस वन की पावर 1+3 इट इज माइनस वन की पावर 4, और माइनस वन की पावर इवन नंबर पॉजिटिव देगा, तो जस्ट हमें माइनर ऑफ ए वन थ्री निकालना है. माई ए वन थ्री मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये वाला हुआ, इसका माइनर क्या होगा, दैट इज 0 0 ए टू द पावर एन 0. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वेरी गुड, दैट इज 0. ठीक है, तो को फैक्टर हमारा आ गया 0. जस्ट लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. ऑलराइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ देखते हैं. फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट द डिटर्मिनेंट इज 2, देन ए टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट. अब देखो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं. तो ए टू द पावर एन का अगर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, ये मैंने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए मेरा कितना दिया है 2, तो ये सीधे सीधे मेरा 2 की पावर एन हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, तो इसमें केवल एक दो पार्ट में हमें ज्यादा सोचना था, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी. ऑलराइट, तो नेक्स्ट केस स्टडी में हम लोग सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम. तो आप देखते रहिए मेरे चैनल पे, हमेशा एक ऐसी चीज आती है जैसे मैं केस स्टडी आ रही थी एग्जाम में, तो मैंने केस स्टडी की तरफ पूरा ध्यान दिया था. तो कई सारी केस स्टडी मैंने सॉल्व की है ओसवाल की, और ऐसे सेपरेटली मैं जो मुझे स्टूडेंट भेजते रहते हैं मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूं. तो आप इन सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखें और समझें.